सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। आज मैं आपको गोप्रो के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेसरीज के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें से एक है लाइट मोड और सेकंड है मीडियम मोड। ये दोनों एसेसरीज की गोप्रो के कैमरा में क्या उपयुक्तता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पाएं। धन्यवाद। फर्स्ट मैं आपको मीडियम मोड दिखाने वाला हूँ। अगर मीडियम मोड आपके पास होगा तो ही आप लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये मोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये मीडियम मोड का बॉक्स है। अभी ये मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या देख रहे हैं, ये अंदर यूज़र मैनुअल दिख रहा है। उसमें वो मीडियम मोड कैसे लगाने का, इसके बारे में, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है और बाकी इंग्लिश में भी है। ये मैनुअल है, ये मैं बाजू में रख देता हूँ। अभी एक बॉक्स में क्या क्या है वो देखेंगे। इसमें ये मीडिया मोड है। इसमें जैसा गोप्रो में स्विच ऑफ का बटन है वो है, ऊपर से क्विक वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन है। बाजू में यहाँ सी टाइप का यूएसबी और नॉर्मल यूएसबी दिया है, 3.5 का जैक दिया है। और इसमें एक सबसे अच्छा फीचर्स है जो ये है, जो आप आउटडोर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो टाइम बहुत सा नॉइस, विंड का नॉइस भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाता है, इसके वजह से वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं, ये बड़ा एडवांटेज है। विदाउट मीडिया मोड आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर ये एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए एक ये है, और बाजू में भी आप इधर लाइट मोड जो एक्सटर्नल फ्लैश है वो भी यहाँ लगा सकते हैं। ये एक GoPro को लगाने के लिए एक ये दिया है स्क्रू, और ये मीडिया मोड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश भी, जो लाइट मोड, जिसको लाइट मोड बोला जाता है, वो भी लगा सकते हैं। तो इसके वजह से विंड का वॉइस एक्सटर्नल माइक लगाने की वजह से बहुत ही कम आता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ लाइट मोड, जो एक तरह से DSLR में फ्लैश रहते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश, जो वो ही टाइप का है। अभी ये कितना अच्छा चलता है ये देखना पड़ेगा। पहला मैं अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। ये यहाँ से अभी ओपन हो गया। ये बॉक्स था, बॉक्स में ओपन किया, उसमें भी मीडिया मोड जैसे ही दो यूज़र मैनुअल है। एक में मेरे को लगता है प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो लिखा गया होगा, और दूसरे में वो कैसे अटैच किए करो इसके बारे में जानकारी दी गई। ये मैं बाजू में रखता हूँ इसके साथ। हाँ, ये एक फ्लैश है। अभी मेरे को, हाँ ये देखो,
ये फ्लैश है, इसमें चार मोड है, ये देखो, ये तीन, ये चार, देखा? मीन्स ये भी आई थिंक ये चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ तो होगा इसका, बैटरी होगा मेरे को लगता है अंदर, ये बाजू में दिख रहा है, वो चार्ज करना, चार्जेबल बैटरीज हो सकती हैं, वो देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, यहाँ यूएसबी से चार्ज करना है, सी टाइप का है। ओके, बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये फ्लैश एक्सटर्नल, इसको लाइट मोड बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश फॉर गोप्रो। और क्या है, हाँ, इसमें बाकी एक्सेसरीज जब जस्ट उन लोग को, ये इसका फ्लैश का कवर है, वो कैसे लगाना मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये सेफर साइड, सेफ रखने के लिए, आगे के लाइट के लिए ये कवर है, और ये गोप्रो को नीचे से अटकाने के लिए अटैचमेंट है इसके साथ। और क्या है, और कुछ तो दिख रहा है, हाँ, ये वायर है, सी टाइप चार्जेबल, बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं। लाइट मोड का एडवांटेज क्या है, कभी कभी आप मोस्टली गोप्रो में आप इंडोर भी शूटिंग करते हैं अपने चैनल के लिए, तो अगर आप फ्लैश लगा के रखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो अच्छी तरह फ्लैश की वजह से रूम में अच्छी तरह से फोटो आ जाती है, और वीडियो भी अच्छी तरह कम रोशनी के एरिया में अच्छी तरह तैयार हो जाता है। ये मेरे को वीडियो मोड बहुत ही अच्छा लगा है, उसके साथ मेरे को वॉइस कैसा आता है कि अभी तुरंत कुछ मिनट में समझेगा। ये मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें कैसा दिख रहा है, वो वॉइस का क्वालिटी क्या हो रहा है वो देख रहा हूँ। यूज़ करते हैं, जो मैंने परचेस किया है वो ओनली फॉर गोप्रो हीरो 8 जो मेरे पास है, और वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। अभी लेटेस्ट जो गोप्रो हीरो 9 जस्ट 1 मंथ बैक लॉन्च हुआ है, उसमें ये मीडिया मोड नहीं यूज़ हो सकता है। इसलिए आप अगर आपके पास गोप्रो का हीरो 8 होगा तो आप हीरो 8 के लिए मीडिया मोड लें, और अगर हीरो 9 है तो हीरो 9 के लिए मीडिया मोड लें। लेकिन वो जो लाइट मोड है फ्लैश, जो वो गोप्रो हीरो 8 और गोप्रो हीरो 9 दोनों के लिए सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखा, उसके बाद मेरे को समझ में आया। ये देखो, मैंने लाइट मोड भी बाजू में लगाया, लाइट मोड मीन्स फ्लैश, और ये ऊपर में आपको मीडिया मोड दिख रहा है, ये देखो, उसमें ये साइड विंड का नॉइज़, एक्सटर्नल नॉइज़ जो आता है वो कम करने के लिए एक मीडिया मोड में ऑप्शन दिया है। या एक्चुअली मैं बाहर का वीडियो शूटिंग करूँगा, आउटडोर का, वो टाइम में मेरे को मेरा ये विंड का नॉइज़ और एक्सटर्नल नॉइजेस कितने कम होते हैं मेरे को समझेगा। ये एक ये DSLR का एक्सटर्नल फ्लैश रहता है, वही टाइप का ये फ्लैश है, उसको लाइट मोड बोला जाता है गोप्रो के भाषा में। और अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ ये फ्लैश, इसमें देखो, इसमें चार मोड है, ये थोड़ा लाइट फ्लैश है, उसके बाद मीडियम लेवल का फ्लैश है, ये देखो, मैं ये तीसरा है, ये एक्सट्रीमली हाई फ्लैश है, और चौथा ऑप्शन है वो फ्लैश बंद चालू होते रहता है। इसका एक्चुअली यूज़ क्या है ये मेरे को यूज़ करने के बाद ही समझेगा। और
ये दबा के बटन रखेंगे, उसके बाद वो स्विच ऑफ होता है। ये आइटम मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है। अभी बहुत जन को प्राइस के वजह से ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गोप्रो जो गोप्रो हीरो 8 और हीरो 9 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया एडिशनल एसेसरीज है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पाए। इंस्टाग्राम पे मुझे ट्रैवलिंग रश पे फॉलो करें और फेसबुक पेज पे ट्रैवलिंग रश पर ही फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ कमेंट डालना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।